की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं, अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिखरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं नुक्कड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। राम राम गुरु। राम राम दगड़ू भाव। अरे राम राम धनसू उस्ताद। अरे साला अखा नुक्कड़ को मालूम है कि ना तो तू अंधा है और नहीं तो तू लंगड़ा है, फिर काय को तू लंगड़ा के चलता रे? उसका क्या हो गया? हाँ। कल अंधा बन के भीख मांग रहा था ना तो सच्ची गड्ढे में गिर गया और पाँव में मार लग गई। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब तू पब्लिक को धोखा तो नहीं देगा। आप शर्मा जी नमस्कार। ताजा मैं तो दूंगा एक लपड़। बोनी बट्टा कुछ हुआ नहीं और आ गया साला सुबेरे सुबेरे भीख मांगने। मेरे को भीख नहीं मांगता। तो फिर क्या मांगता है शिलाजीत? नहीं मेरे को मेरा हाथ दिखाने का है। दगड़ो। हाँ शर्मा जी। नहीं यहाँ आइयो। आया। क्या हुआ शर्मा जी? बोल क्या कह रही था तू? मैं बोला मेरे को मेरा हाथ दिखाने का है। क्या हो गया? अबे तू हाथ दिखा के क्या करेगा? मैं टीवी पे सुना अक्खा भारतवासी लोग का भविष्य सुधरने वाला है। चा? मेरे को भी मेरा भविष्य मालूम करना मांगता है। अबे उल्लू भिखारी का भी कोई भविष्य होता है क्या? क्यों मैं भारतवासी नहीं है क्या? नहीं भारतवासी तो तू है पर तू तो भिखारी है ना। कौन भीख नहीं मांगता? छोटा मुलुक बड़ा मुलुक से भीख नहीं मांगता? ये है तुम्हारे लीडर लोग वोट के लिए भीख नहीं मांगते? मैं मांगता तो क्या हो गया? अक्खा भारतवासी के माफिक मेरा भविष्य सुधारना मांगता है। हाथ देखो। अरे जियो गंतु उस्ताद, जियो जियो। अरे ये कौवे को भी ये टाइम मिला टट्टी करने को। पूछ 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 पूछ। तगड़ो आज सुबह सबसे पहले मुझे तू और तेरा झाड़ू दिखाई दिया। हाँ। मतलब शगुन अच्छा है। अच्छा। और फिर जब इसने हाथ आगे बढ़ाया तो इसके हाथ पे कौवे की छेर गिरी। मतलब शगुन बहुत ही अच्छा है ना। तू जल्दी हाथ दिखा। हाँ। दिखा, दिखा। शर्मा जी क्या निकला? ये निकला कि देश का भविष्य सुधरे चाहे ना सुधरे पर इसके तो भाग खुल गए। अच्छा जब कौवे की छेर इसके हाथ पे गिरी। हाँ। तो तू कहाँ खड़ा था? मैं खड़ा नहीं था, मैं बैठा था, इधर ही बैठा था। मतलब इसके दाएं हाथ पे? यही तो दाहिने में बैठा है। अरे अगर इसके दाएं हाथ पे मैं बैठा होता तो क्या होता? जो तुझे मिलने वाला रहा वो मुझे मिलता। अरे मेरे को कुछ मिलने वाला है क्या? यही तो अफसोस है, जितना इसको मिलेगा उतना तुझे भी मिलेगा, शास्त्रों में लिखा है। पर मिलेगा क्या शर्मा जी? पैसा। हा? रुपया। हा? नोट हरे हरे सौ सौ के। जाओ तुम दोनों जाओ और चौरसिया की दुकान पे से एक लॉटरी का टिकट खरीदो और ऐश करो। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। नहीं है शर्मा जी। पैसे नहीं है? हाँ। अरे तो क्या हम मर गए हैं क्या? हाँ। है? जे ले। हाँ। पर एक शर्त है। क्या? रुपए में चौनी मेरी रहेगी। हाँ। दिया।
दस रुपए लगेंगे तो अढ़ाई रुपए तुम्हारा। हाँ बे, क्यों मेरा कचरा करता है? क्या हो गया? मुंह से कोई अच्छी बानी बोल। क्या बोल शर्मा जी? 10 लाख रुपया मिलेगा तो 2.5 लाख रुपया आपका। हाँ, 2.5 लाख रुपया तुम्हारे। ले गुरु, आ गए बोनी के टाइम उधारी वाले। पकड़ो ये सेठ, कड़क रोकड़ा। रोकड़ा? अरे वाह बबुआ, वाह वाह गंजू सेठ, वाह वाह। बोलो क्या चाहिए? हम लोगों को एक लॉटरी चाहिए। शर्मा जी बोला है पक्का लगने वाला है। लॉटरी? अरे त्योहार लॉटरी? काहे राजा भोज बने के खाप देखा तो गंगू तेली। ये लो 2 बीड़ी का बंडल और फूट लो यहाँ। ए चौरसिया, तेरे को क्या करना है, दे देना। अरे पर हम वो का भले का बात कहते हैं। दे देना। हमार का ले लो। बोलो कौन नंबर चाहिए? आजा घंसू, जल्दी देख। शास्त्र। ये देख। आजा सेठ, जरा ये नंबर बताओ ना। हाँ। क्या हुआ सेठ, नंबर पढ़ने को नहीं आता है तो गुरु को तो गुरु पढ़ देगा? नहीं वो बात नहीं। हाँ तुम ही रुपया वापस ले लो। रुपया खोटा है क्या? नहीं, सोना आने खरा, पर ये टिकट हम तुहार नहीं दे सकत। गुरु शर्मा जी बोला है ना कि टिकट घंसू के हाथ में ही रहना चाहिए, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो भैया ये रुपया भी तुम रखो और हमार तरफ से ये टिकट भी तुम रखो। पर हमारी एक शर्त है भैया। वो क्या? लॉटरी लगे तो रुपया में 4 आना हिस्सा हमार, नहीं देने का। नहीं। अच्छा तो तुम्हें कहा याद रखोगे, लॉटरी लगे चाहे ना लगे, हमारी तरफ से 1 हफ्ते तलक पान बीड़ी सिगरेट मुफ्त तो का। बराबर तो बोलता है चौरसिया। साला तुम्हारे टिकट लगे ना लगे, 1 हफ्ते तक तुम लोगों पान बीड़ी सिगरेट मुफ्त। तू क्या बोलता है? देखो दो बात है। दूसरा बात यह है कि आपको 1 हफ्ते का 1 महीना करना पड़ेगा। महीना? ठीक है, पर पहली बात तो बोलो। हाँ, और पहली बात यह है कि आपको रुपये में से सिर्फ 2 आने मिलेंगे, जास्ती नहीं। अगर मंजूर है तो जल्दी से टिकट का नंबर बोलो और 2 मीठा पान लगाओ, नहीं गुरु भी है 3 मीठा बनारसी लगाओ, गुलकंद जास्ती चूना कम। जल्दी मंजूर मंजूर मंजूर। फिर नंबर पढ़ के सुना। नंबर? हाँ, 1,36,250। 1,36,250। गुरु जरा 1 मिनट इधर आओ ना गुरु, ना एक प्राइवेट बात है। अच्छा चल। हाँ बोल। अपुन के पास तो देखो गुरु, पैसा नहीं, अकल नहीं, इज्जत नहीं, पढ़ाई नहीं। बोला तो अपुन को कोई समझता ही नहीं। अरे समझेगा समझेगा, कल के बाद सब समझेगा। हाँ। पर आज गुरु। हाँ? तुमको तो मालूम है कि अपुन अंगूठा चाप है, हैं? और ये पैसे का मामला है, कोई भी लफड़ा हो सकता। हाँ। है, ये दुनिया बहुत हरामी है घंसू। हाँ ये बात तूने बराबर कही। हाँ गुरु, आज का दिन तू संभाल लेगा ना, कल से हम लोग सेक्रेटरी रखने वाले हैं। वो तो रखने ही वाला है गुरु। अच्छा। हाँ। तो चल ठीक है, आज के दिन मैं तुम दोनों का सेक्रेटरी बस। हाँ और गुरु। हाँ? पार्टनर नहीं बनाएगा, मंजूर? अच्छा चल मंजूर। हाँ पैसा भी नहीं देगा गुरु, मंजूर? देख दगड़ू, सिर्फ तेरे वास्ते मंजूर। हाँ गुरु चीटिंग तो नहीं करेगा ना? हाँ देख गुरु। नहीं बाबा नहीं। अच्छा सुनो। हाँ। तुम लोग ऐसा करो। हाँ। तुम लोग जिधर भी जाओ ना तो सबसे पहले ये टिकट दिखाओ। अच्छा। सामने वाला टिकट देखे घबरा जाएगा। हाँ? मालूम क्यों? 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 ये टिकट नहीं है। क्यों? क्या है? तो बंदूक है, बंदूक। साले ये बंदूक नहीं लॉटरी है, लॉटरी दिखा के डराता है क्या? चल फट, रोकड़ा लेके आ, रोकड़ा तभी खाने को मिलेगा। साले भिखारी कहीं के। गुरु क्या किया जाए? धरा
हराम ज्यादा गिलास तोड़ दिया सुबह सुबह, तेरा बहुत बड़े गए, गलती हो गया ना, चल जल्दी अंदर। चल देखो डांटते रहने का बस काम नहीं गलत। कादर भाई क्या वो दूध उबल के गिर गया? तंबे दो कप स्पेशल चाय ला, मलाई मार के, और गुरु के लिए एक ग्लास दूध। हाँ जल्दी धुके कल से। हाँ दे दो दे दो। अच्छा तुम लोगों को 10 लाख रुपया कल मिलने वाला है ना? पूरा 10 लाख। 10 लाख सेठ, 10 लाख रुपया तो बहुत होता है ना? मालूम है मेरे को, पर अगर नहीं लगा तो तुम अपना खाने का पैसा ले लेना। नहीं नहीं वो बात नहीं है, क्या है कि उसके अलावा मुझे और क्या मिलेगा। तुमको मांगता क्या है सेठ? हमको जास्ती नहीं मांगता है, बस रुपए में से सिर्फ 4 आना को दे देना, और अगर लॉटरी नहीं लगे ना तो भी 1 हफ्ते तक खाना पीना चाय ठंडा सब हमारी तरफ से मुफ्त। 2 बात है सेठ, और दूसरा बात यह है कि जो तुमने 1 हफ्ता बोला ना सेठ, इसको तुमको 1 महीना बनाना पड़ेगा। ठीक है चलेगा, लेकिन पहला बात क्या है? पहला बात यह है कि खाली रुपए में से 2 अनाज मिलेगा तुमको। 2 आना चलेगा। घनसू कल लखपति हो जाएगा, सेठ घनश्याम दास। अल्लाह के नाम पे 10 पैसा दे दे बाबा, अल्लाह तेरा भला करेगा बाबा, 10 पैसा दे दे बाबा। हट्टे कट्टे आदमी लगते हो, शर्म नहीं आती भीख मांगते? हाँ कोई काम क्यों नहीं करते? काम मिलता नहीं बाबा। सेक्रेटरी। यस सर। कामिया। यस सर। इस आदमी को अपने फार्म पर लगा दो। ओके। यस सर। और देखो मेहनत की रोटी कमाना सीखो। ओके यू कैन गो नाउ। मेहनत की रोटी कमाना सीखो। ओके यू कैन गो नाउ। You can go now. तम्मी। Yes sir. अंग्रेज बनता है, अंदर जाके कपड़ा मार तावड़ तोड़, और गुप्ता जी को एक चाय दे क्या? जी। जी। डैड। डैड आपकी आंखों क्या हो रहा है? अबे जब कुछ अच्छा होने वाला होता है यार तू बीच में रोक देता है। सॉरी डैड। अबे जो हो रहा है उसे होने दे। नमस्कार सेठ। नमस्कार क्या है? सेठ अपन दोनों को एक एक अंगूठी मांगता है और पैसा कल देगा। कल? देखा आपने दाई आंख फड़कने का नतीजा, कितने अच्छे कस्टमर आए, शक्लें देखी जरा इनकी। तुम लोग उल्टे पांव लौट जाओ। देखो सेठ आज अपन को उधारी के लिए कोई भी ना नहीं बोला है, तुमको क्या हो गया? कल तुम्हारी लॉटरी आने वाली है क्या? अरे सेठ को भी मालूम पड़ गया क्या? हाँ फिर ना क्यों बोलता है? हाँ सेठ जब तुमको सब कुछ मालूम ही पड़ गया है फिर तुम काहे को ना बोलता है सेठ? क्या हो गया सेठ? अरे गुरु इसी ने इन लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ है। हाँ 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 मैंने नहीं, आज तो सेठ इन लोगों को ऊपर वाले ने सर पे चढ़ाया। कादर और चौरसिया दोनों ने इन लोगों को चाय पानी खाना सिगरेट बीड़ी 1 महीने के लिए मुफ्त देने को बोला। ऐसी क्या खास बात है भाई? हाँ अपने शर्मा जी ने बोला है कि इन लोगों की लॉटरी लगने वाली और तुम लोगों ने मान लिया। तुमको भरोसा नहीं है तो उन लोग से खुद पूछ लो। हाँ ये सेठ हमको आंख का इकले मारता है। मारता नहीं हूँ, वो अपने आप मर रही है, फड़क रही है। अरे सेठ तो तुम फटाफट जाके सबसे पूछ लो। हाँ तुम्हारी आंख फड़क रही ना? सेठ इन लोग के साथ साथ ना तुम्हारी भी किस्मत पलट जाएंगी। सेठ अपन को पूरा भरोसा है कि वो लोग का लॉटरी लगेगा, क्योंकि वो लॉटरी में अपना भी दो आना है। हाँ जी जब स्वयं बजरंग बली आशीर्वाद दिए हैं तो कौन ससुर रोक सकता है? लाला जी
अगर लॉटरी नहीं लगने वाली होती तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं उन्हें एक रुपया देता? देखो बेटे, तुम इन सब लोगों में ज्यादा समझदार हो, इसे अच्छी तरह समझ लो। ये स्टाम्प पेपर है, इसमें लिखा है कि इन लोगों की लॉटरी का टिकट जिसका नंबर 136,250 है, अगर लग गई तो ये लोग रकम का 25% मुझे देंगे और अगर नहीं लगी तो कुछ नहीं देंगे। और ये चांदी की दो अंगूठियां जो मैं इन लोगों को दूंगा वो मेरी तरफ से फ्री होंगी। ठीक, बराबर है गुरु। हाँ। तू अगर बोल देता है तो लगा देगा, लेकिन अंगूठी पहली देने को बोलो। जरूर। ये लो। हाँ। ये पकड़ो अंगूठियां और जल्दी से अंगूठा लगा दो। हाँ। जल्दी से ले, लगा लगा। आशी, उन लोगों के बारे में कुछ सुना तुमने? हाँ सुना, लॉटरी में अपना भी हिस्सा मांगो। अबे मरने देना। मरने दे क्या, बेवकूफी मत करो। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ ये लोग बनेंगे। वो कैसे? कैसे, कल जब लॉटरी की टिकट नहीं निकलेगी ना, सबका दिवाला निकल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉटरी ना निकले। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान जी ने स्वयं चौरसिया की दुकान में फूल गिराए थे। इन बातों पर विश्वास नहीं करता, ये सब बकवास है। बकवास नहीं है, क्योंकि आज सवेरे से मेरे दाहिने हाथ में खुजली हो रही है। इसका तो कुछ मतलब होगा। मैं मानता हूँ कि शगुन का मतलब कुछ होता है, मगर आज तक भगवान ने किसी गरीब आदमी को इतने पैसे दिए? मानती नहीं दिए, शायद इस बार दे दे। अरे सोचते रहोगे तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ भगवान का नाम लेके उन दोनों को जल्दी से अपने घर में बुला लो। एक भिखारी और एक झाड़ू वाला अपने घर पे? हाँ अपने घर में। लीजिए खाइए ना, असली घी में बने हैं। लड्डू नहीं है? लड्डू हाँ अभी मंगवाती हूँ। जरा जल्दी करना, अपने पास टाइम कम है। अच्छा। ए नंदू, जरा लड्डू तो लेके आ। ये ले 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 घनचू। इन लोगों के जाने के बाद एक गिलास को 4-5 मरतबा साबुन से बराबर धोना। सब हो जाएगा, पहले काम की बात तो करो। हाँ देखिए, मैं आप लोगों से लॉटरी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ। मालूम है, लेकिन उसका क्या है, ये सब बिजनेस का बात हमारा सेक्रेटरी करता है। हा? सेक्रेटरी? अभी आता ही होगा। हाँ वो तो गुरु आ गया लगता। आओ आओ सेक्रेटरी, आओ। नमस्ते सेठ। नमस्ते। ये गुंडा बीच में कहाँ से आ गया? सेक्रेटरी, गुप्ता सेठ को कुछ बिजनेस का बात करने का है। हा? तुम जरा देख लो। हाँ तो गुप्ता बोलो, क्या बात है? हमें इन लोगों की लॉटरी में से थोड़ा सा हिस्सा चाहिए था। हिस्सा? हाँ मिलेगा मिलेगा, मगर पहले ये बताओ कि उसके बदले में तुम इनको क्या दोगे? मगर इसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। कैसी बात करते हो, अरे कुछ पाना है तो सामने से कुछ इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। अच्छा चलो, हम इन दोनों को 8 दिन का राशन पानी मुफ्त देता हूँ। 8 दिन का? अरे कैसी बातें करते हो। क्यों, अंगूठी की बराबर की कीमत तो दे रहा हूँ। अरे लेकिन अभी आपको जास्ती देना पड़ेगा। क्यों? तब की बात और थी, अब भाव बढ़ गया है। देखो मांगता है तो 1 महीने का राशन पानी देना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो। हाँ मंजूर है। लेकिन गुप्ता सेठ को बोलो लिख के दे कागज पर। बहुत सियाने हो गए हैं यार। गुरु ने अपना हर जगह मदद किया है, लेकिन अपुन ने गुरु को कुछ नहीं दिया यार। हाँ यार गुरु, तुम कब तक ये फर्टीचर दुकान में बैठोगे? ऊपर वाला ने हमारी किस्मत बदली है, हम तुम्हारी किस्मत बदल डालेंगे। अच्छा। हाँ गुरु, अपुन तुमको 4 आने का पार्टनर बनाता है। 4 आने का? पर इसके बदले में मेरे को तुमको क्या देना पड़ेगा? क्या गुरु मजाक करता है क्या, एकदम मुफ्त में बस। ऐसा? एकदम फ्री। तो फिर तो थैंक यू सेठ। नॉट मेंशन। सो क्यों नहीं रहा रे? तू क्यों जागा रे? मैं
मैं जागते जागते सपने देख रहा हूँ। क्या? हरे हरे सो सो के नोट वाले सपने। सोऊंगा तो फिर वही 10 पैसे वाले सपने दिखेंगे। 10 पैसा दो साहब, भगवान आपका भला करेगा। यो मैं कैसे दौड़ू? हाँ गुरु, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मालूम क्या टाइम हुआ? ना गुरु, ना हमको दिन का पता है ना रात का। कल जब हम घड़ी खरीदेंगे ना तब टाइम पूछना। अबे ओ उल्लू, ये लॉटरी लग भी गई तो तेरे को क्या मिलने वाला है? क्यों, काय को नहीं मिलेगा? अच्छा, तेरे को ये मालूम है रुपए में कितने आने होते? 16 आने होते। हाँ। अच्छा तो फिर अभी हिसाब जोड़। हाँ। हाँ। शर्मा का 4 आना, चौरसिया का 2 आना, कादर का 2 आना, कितना हुआ? 4, 6, 8 आना। हाँ। आगे गुप्ता का 4 आना, मानिकलाल का 4 आना, कितना हुआ? 16 आने हो गए गुरु। हाँ। और 4 आना मेरा? हाँ? ये 20 आने हो गए गुरु, अब क्या करे? अबे ओ गधो, तुम लोग को समझ नहीं आता। चौरसिया से 1 महीने तक बीड़ी 5 सिगरेट मुफ्त। हाँ। कादर से 1 महीने तक चाय नाश्ता फुकट। हाँ। गुप्ता से 1 महीने तक राशन पानी फुकट। हाँ। और ऊपर से ये तो अंगूठी। हाँ। तुम लोग का तो लॉटरी लग गया, बाकी सब क्या भाड़ रहे, अब जाके सो जाओ तुम। हाँ।